महाशिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि बुधवार धनिष्ठा नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर आशावादी धन और ऐश्वर्य से युक्त विनम्र और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक अत्यधिक साहसी फुर्तीले दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। ये अत्यधिक भावावेश में आने वाले कला और संगीत के प्रेमी और नेतृत्व करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन में 12:30 बजे तक मकर राशि में चलते रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि में चले जाएंगे। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद वृष राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने और इसका अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साह और आक्रामक रवैया, अपने काम के प्रति अटूट दृढ़ विश्वास और उत्साह की प्रवृत्ति का बनना संभावित है। साथ ही साथ दोपहर के बाद के समय में आर्थिक लाभ और उससे संबंधित विकल्पों के विषय में मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में गति आएगी, साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा, बच्चों से संबंधित मामलों में खर्च और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट की संभावना भी बनी रहेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति, कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटों के विश्लेषण करने की मानसिकता और आर्थिक लाभ के नए विकल्पों के प्रति मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि धार्मिक भावना में वृद्धि और परिवार के प्रति सामंजस्य बिठाकर चलने की मानसिकता भी जागृत होगी। कार्य क्षेत्र में समझौतावादी दृष्टिकोण लाभदायक रहेगा और काफ़ी हद तक आप अपने प्रयासों और बुद्धि कौशल से सारे कारकों को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। लाभदायक परिस्थितियां साथ देंगी और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर दोपहर के बाद का समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए संकेत करता है। बच्चों से संबंधित मामलों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता का दौर, कार्य क्षेत्र के प्रति महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और आय संबंधी संसाधनों के सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति आज दोपहर तक बनी रहेगी। संबंधित मामले में अनचाहे यात्रा की भी संभावना बनती है। हालांकि कार्य क्षेत्र की अनुकूलता के लिए सहयोग मिलता रहेगा और अपने अधिकारियों का दिशा निर्देश कायम रहेगा। साथ में बड़े बुजुर्गों की सहभागिता और भाइयों का सहयोग भी कायम रहेगा। दोपहर के बाद का समय धार्मिक भावना की वृद्धि और आर्थिक सहयोग के लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग और सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक चिंता का दौर, विशेष तौर से संतान संबंधी चिंता का, बच्चों के पढ़ाई के प्रति संवेदनशीलता, कार्य क्षेत्र से संबंधित विवाद और रुकावट की संभावना, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता का दौर चालू रहेगा। हालांकि अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कार्य क्षेत्र के प्रति संतुष्टि का माहौल बना रहेगा, मगर दोपहर के बाद अचानक छोटी यात्रा का योग संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी का संकेत मिल रहा है। आर्थिक सहयोग बना रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख संतुष्टि, कार्य के क्षेत्र में सहूलियत की कमी, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके भाग्य और सुख के कारक होकर पंचम भाव में बैठे हैं, अतः संबंधित कामों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि रुके व अटके हुए काम संपादित होंगे, आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है।
और शाम के बाद का समय पारिवारिक सुख संतुष्टि को बढ़ाने वाला होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रयासों की गति बनाने, व्यावसायिक उन्नति के विषय में और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों के विषय में सोचने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। संबंधित मामलों में आपकी सार्थक पहल और महत्वपूर्ण फैसले लाभदायक सिद्ध होंगे। निजी निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त रहेगा, मगर दोपहर के बाद सक्रियता और दृढ़ इच्छा शक्ति प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी का संकेत मिलता है, मगर आर्थिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, इच्छानुसार उद्देश्य की पूर्ति संभावित है। तुला राशि वाले जातकों को निजी सुख सुविधाओं के प्रति, साझेदारी के कामों के प्रति और धन संबंधी मामलों में मित्र व रिश्तेदारों से सहयोग के प्रति प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र के प्रति चिंता लगी रहेगी, मगर आप उसका समाधान कुछ आसान प्रयासों के साथ निकाल लेंगे। दोपहर तक का समय आशंकाओं और दुश्चिंताओं से घिरा हुआ माना जा सकता है, मगर दोपहर के बाद आपकी कार्यशैली में सुधार, उत्साह में वृद्धि और रचनात्मक कार्यों के करने में व्यस्त रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, निजी संबंधों में निकटता आएगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार के प्रति, मानसिकता, विरोधियों की साजिश को निरस्त करने की कोशिश, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के प्रति सुधार एवं विकास की प्रवृत्ति बनी रहेगी। चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में होने से आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर और धन संबंधी मामलों में सहायता मिलेगी और कार्य क्षेत्र के प्रति आ रही बाधाओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। संतान के प्रति दायित्व की पूर्ति और पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता भी संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक वाद विवाद की आशंका, अपने घर गृहस्थी को सुधारने की कोशिश और कार्य क्षेत्र के प्रति काम करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा, मगर अपनी उत्तेजना और भावावेश को नियंत्रित करने की जरूरत है। लगभग हर काम के प्रति आपकी सक्रिय भागीदारी सफलता दिलाएगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और सफलता हासिल होगी और देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से लचीला बनाना आवश्यक रहेगा। मकर राशि वाले जातकों को अपने निजी सुख और संसाधनों के लिए, आर्थिक लाभ के नए अवसरों के लिए और साथ ही साथ अपने नेतृत्व करने की क्षमता और प्रतिनिधित्व करने की कला के संबंध में मानसिकता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में निजी संबंधों का सहयोग और अधिकारियों की भूमिका सहायक सिद्ध होगी। आकस्मिक आर्थिक लाभ के अवसर संभावित हैं और व्यवसाय की योजनाओं के नए प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। संबंधित मामलों में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन भी संभावित है। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रति दिमाग का केंद्रित होना और उसके प्रति संघर्ष और मेहनत करने की प्रवृत्ति का विकसित होना, साथ ही साथ संबंधित मामलों में आवश्यकता अनुसार यात्रा और निवेश करने की मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और सफलता मिल सकती है। दोपहर के बाद का समय अनावश्यक खर्च, भाग दौड़ और चिंता से राहत दिलाने वाला होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में रुकावट और अड़चन को हल करने के संबंध में, धन संबंधी मामलों में और विवादों को सुलझाने के मामलों में और साथ ही साथ आय संबंधी अन्य विकल्पों के लिए मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि अधिकतर मामलों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर मन में नकारात्मक भावना को विकसित होने से रोकना होगा। किसी महिला विशेष से आर्थिक मामले में मदद की संभावना बनती है,
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक महसूस होगा और सफलता की संभावनाएं बनी रहेंगी। दोपहर के बाद का समय खर्च और आय संबंधी मामलों में यात्रा के लिए संकेत करता है। आइए अब वृष राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय की चर्चा करते हैं। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति है, तो चांदी की दो गोलियां बनवाकर 43 दिन तक अपने पास रखें, उसके बाद उसे जल प्रवाहित कर दें। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं तो गोदान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हैं तो गुरुवार के दिन केसरिया रंग का तिकोना झंडा लेकर उसे किसी मंदिर की चोटी पर लगवाएं और मंदिर में पीले वस्त्र का दान करते रहें या धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो अपनी मनोकामना पीपल के वृक्ष के हरे पत्ते पर गोरोचन से अनार की लकड़ी के द्वारा लिखकर उसे स्थिर जल में संध्या के समय छोड़ दें। संतान सुख के लिए कुछ समय पौधों को देखभाल में लगाएं तथा नए पौधे रोपकर उनकी देखभाल करें। दाम्पत्य सुख के लिए मिट्टी के पात्र में सौंफ भरकर उसे जंगल में या किसी सुनसान स्थान पर मिट्टी के नीचे दबा दें। जीवन में अकस्मात आने वाली बाधाओं के लिए मीठे चावल को कौओं के लिए डालें, अनुकूलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।